हेमंत सोरेन और चंपा सोरेन की सरकार जो है इसी तरह से सीट बेच के हम लोग को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। छात्रों की दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बनी है जो नियुक्ति वर्ष कह के हम लोगों को छलने का काम किया है और 16 सीट 18 से 20 लाख 25 लाख में बेच दिया है। वही शिक्षक जो बनने जा रहे 18 से 20 लाख वाले, वो क्या पढ़ाएंगे, क्या क्वालिटी देंगे बच्चों को? वो गरीब गुरबा बच्चा सरकारी स्कूल में जो पढ़ाएंगे उसके बच्चे उसके भविष्य बर्बाद कर देंगे, चौपट कर देंगे। और दावा करते समझिए आने वाला झारखंड का 30 पीढ़ी बर्बाद होने वाला इस सरकार के कारण। चेकिंग चल रहा है, जिसे बोली चल रहा है, हम 15 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, नौकरी पर नौकरी बांटी जा रही है। जिसके पास 20 लाख 15 लाख रुपया नहीं रहेगा वो नौकरी नहीं करेगा झारखंड। देखिए ये सारे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़ाई किए हैं, दिन रात मेहनत किए हैं, लेकिन पैसा नहीं था वो नौकरी नहीं कर पाया। पैसे के बल पर 90% लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। पैसा के बल पर 18 लाख 20 लाख 25 लाख इस तरह से करके प्रत्येक एक एक सीट को लोग बेचे हैं। चंपा सोरेन से आप लोग की मुलाकात हुई थी? जी सर। क्या बोले वो? हम लोग शनिवार को मुलाकात, पिछले एक सप्ताह होने जा रहा है सर। वो बोले शाम में हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। उससे हम लोग मिलने की कोशिश किए लेकिन उन लोग से नहीं मिले। अभी मैं रांची के फिरायालाल चौक पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे देख लीजिए झारखंड के छात्र अभ्यर्थी परेशान है और यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आखिर आज हुल दिवस है और आज ही के दिन ये सरकार के खिलाफ क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों कैंडल मार्च निकाले हैं, हम अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ जी, काहे आप लोग कैंडल मार्च निकाले? आज बहुत अच्छा दिन है, हुल दिवस आज है जी। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पीजीटी की वैकेंसी 3 अगस्त 2022 की विज्ञापन आई थी झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें कुल 3120 सीटों पर नोटिस निकाली गई थी। इसके विरुद्ध में 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक परीक्षा हुई थी और कुल मिलाकर हमारे झारखंड प्रदेश में 24 सेंटर बनाए गए थे। 24 सेंटरों में से कुल मिलाकर के 5 सेंटर, उसमें से मुख्य रूप से श्रेया डिजिटल बोकारो और सिबा इंफोटेक रांची के द्वारा, इनके अलावा और 3 सेंटरों के द्वारा 3120 सीट के विरोध में लगभग 50% से अधिक सीटों पर पैसे के बल पर 90% लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। पैसा के बल पर 18 लाख 20 लाख 25 लाख इस तरह से करके प्रत्येक एक एक सीट को लोग बेचे हैं। आज हुल दिवस है और आज आप लोग इतने अच्छे दिन में जो है ये चोर एजेंसी सतवत का दिया रिजल्ट रद्द करो आंदोलन कर रहे हैं, ये कैंडल मार्च निकाले, क्या मामला है? ये ही सतवत एजेंसी है जो आउटसोर्सिंग जेएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। यही सतवत एजेंसी ने अपने मीडिया में दिखाया था जेएससी सीजल का पेपर किस तरह से बंदरबांट कर दिया था, और वही जेएससी सीजल जो लेने वाला एग्जाम लैब असिस्टेंट और पीजीटी एग्जाम लिया था। हम पीजीटी मैथ्स का अभ्यर्थी हैं और यही सतवत एजेंसी ने 15 लाख से 20 लाख से 25 लाख में जैसे चाहा वैसे 5 जो ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से सेंटर बना हुआ था, टोटल 24 सेंटर में 5 सेंटर में 1600 रिजल्ट 3120 में रिजल्ट दिया था और सर्वर रूम से डायरेक्ट आंसर जो था मारा गया था और उसकी 3 तारीख को नियुक्ति देने जा रही है और 4 सब्जेक्ट को पहले नियुक्ति दे चुकी है। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं इस हुल दिवस के शुभ अवसर पर कि अविलंब जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको रद्द करे और नई नियुक्ति प्रक्रिया को चालू किया जाए और इस पर सीबीआई जांच करके जो भी इस पर संलिप्त पाई जाती है उस पर कड़ी से कड़ी सजाई की जाए। ये बताइए दादा, सारा अगर एग्जाम ऐसे रद्द हो जाएगा तो फिर नौकरी कैसे मिलेगा लोगों को? एग्जाम सही तरीके से ले, हम थोड़ी बोल रहे रद्द करने के लिए। पहले बात है फॉर्म नहीं आता है, फॉर्म नहीं आता उसके पहले लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। फॉर्म आने के बाद क्या होता है, एग्जाम नहीं लेता उसके लिए आंदोलन करते हैं, और एग्जाम भी लेता है तो देखिए किस तरीके से आंदोलन करना पड़ा। देखिए सड़क पर हम लोग आए हुए हैं, 15 से 20 लाख 25 लाख में सीट बेच देगा तो हम जैसे योग्य अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? अब जो 15 से 20 लाख अभ्यर्थी जो पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल पढ़ाएंगे, वहाँ गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ेंगे, वो 20-30 से 32 साल नौकरी करेंगे, वहाँ पर 2 जनरेशन को बर्बाद करेंगे, 1 जनरेशन नहीं 2 जनरेशन को बर्बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि गरीब गुरबा का बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो शिक्षा क्या, ग्रुप डी के नौकरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। ये बताइए कि पीजीटी का एग्जाम शायद 2023 के अगस्त में हुआ था ना? जी, अगस्त और सितंबर में एग्जाम हुई थी। अच्छा, रिजल्ट कब आया था उसका? रिजल्ट जो था आंसर की दिया गया, और सोचे कि मैथ जो है मेरा सब्जेक्ट था, एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन पूछा था, 150 में 22 क्वेश्चन गलत पूछा गया था। अच्छा। कैसा विशेषज्ञ रहते हैं, कैसा सब्जेक्ट के ज्ञानी होते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन एक शिफ्ट में गलती किया है, जिसके कारण से सब कुछ ग्रेस मार्क्स दिया गया। उस ग्रेस मार्क्स किसी को 22 नंबर का 22 नंबर मिला, किसी को 5 नंबर मिला, किसी को 2 नंबर मिला, किसी को 18 नंबर मिला, किसी को 15 नंबर मिला, और जिसके कारण से बहुत सारे व्यक्ति देखिए जो आज पीजीटी की नियुक्ति लेना चाहिए था वो सड़क पर है।
छात्रों की दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बनी है जो नियुक्ति वर्ष कह के हम लोगों को छलने का काम किया है और सारा सीट 18 से 20 लाख 25 लाख में बेच दिया है। और अब वही शिक्षक जो बनने जा रहे हैं 18 से 20 लाख वाले, वो क्या पढ़ाएंगे, क्या क्वालिटी देंगे बच्चों को? वो गरीब गुरुआ बच्चा सरकारी स्कूल में जो पढ़ाएंगे उसके बच्चे उसके भविष्य बर्बाद कर देंगे, चौपट कर देंगे। शिक्षा में कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में। अभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नीट में धांधली की प्रक्रिया चल रहा है, सेम प्रोसेस जो है हमारा पीजीटी, लैब असिस्टेंट, नगर निगम सारे में जो है जेएसएससी और सात एजेंसी और सरकार जो है हेमंत सोरेन और चंपा सोरेन की सरकार जो है इसी तरह से सीट बेच के हम लोग को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। क्या कहना चाहिएगा? अभी तो जेएसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, तो आप लोगों को तो तैयारी करना चाहिए था। आप भली भांति जानते होंगे कि जेएसएससी जो है इससे पहले कई बार एग्जाम कैलेंडर जारी किया लेकिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, उसी तरीके से ये भी वादा पूरा नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में जो भी नियुक्ति है वो सरकार पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द सरकार कदम उठाए ताकि अच्छे लोगों को नौकरी हो, ना कि सेटिंग गेटिंग से नौकरी हो। 20-20 लाख में जो पैसे लेकर के घुस दे करके सेटिंग करवा लिए ऑनलाइन हैकिंग के माध्यम से, वो लोग जाकर के क्या पढ़ाएंगे? जो लोग ज्योग्राफी के ऐसे डिफिनेशन नहीं दे पाएंगे वो लोग क्या पढ़ाएंगे बताइए? ऐसे ऐसे लोगों का सेटिंग के द्वारा नियुक्ति मिल चुका है, बताइए। पीजीटी परीक्षा पास कर चुके हैं? नहीं, हम पीजीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, नेट क्वालिफाई है, बीपीएससी टीचर में हम अभी ज्वाइनिंग किए हुए, लेकिन झारखंड में मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा नहीं हो पाया। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मेरे पास 20 लाख रुपया पैसा नहीं था। जिसके पास 20 लाख 15 लाख रुपया नहीं रहेगा वो नौकरी नहीं करेगा झारखंड में। देखिए, ये सारे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़ाई किए हैं, दिन रात मेहनत किए हैं, लेकिन पैसा नहीं था, वो नौकरी नहीं कर पाया। क्या करें मैडम आप? समर जी एक बात बताइए, आप हर स्कूल में घूमते हैं ना, क्वालिटी वाले शिक्षक मिलते हैं क्या आपको? हाँ, तो इलोट भी जो जाएंगे ना, इलोट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी नहीं लिखने जाने और दावा करते समर जी आने वाला झारखंड का 30 पीढ़ी बर्बाद होने वाला इस सरकार के कारण। ये सरकार इस तरह से नीति अपनाई है, देखिए आज हम लोग कैसे सड़क पर खड़े हैं, सेकंड चल रहा है, जैसे बोली चल रहा है, हम 15 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, नौकरी पर नौकरी बांटी जा रही है और हम लोग सड़क पर खड़े की नियुक्ति अभी लंबा रद्द करेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग। ये बताइए कि नियुक्ति अगर ये जो आप लोग रद्द करने की मांग कर रही है तो रद्द हो जाएगा तो फिर से सब कुछ करना पड़ेगा? जाँच करे सरकार और जो गलत है उसको निकाले और नया मेरिट लिस्ट निकाले। इसमें तो समय लगेगा ना, फिर तो लगे ना समय। आज इनका कैलेंडर पिछले साल नवंबर में फेल हो गया, तब से अभी तक 7 महीना में इनका समय नहीं खराब हुआ, 1 महीना हम लोग का जांच में इतना ज्यादा समय खराब हो जाएगा। क्यों नहीं जांच करती सरकार जब भ्रष्टाचार नहीं की है, जब ये लोग शामिल नहीं है, इनके विधायक मिठाई खिला रहे हैं उन लोगों को, क्यों खिला रहे हैं मिठाई? अच्छा, इससे जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनसे आपकी टीम मिली है? हाँ, बात हुआ है। क्या बोले वो? वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं जेल से, क्या लगता है वो इंसाफ करेंगे आप लोग के लिए? उन्हीं के समय में घोटाला हुआ है। अच्छा, उन्हीं के समय में हुआ? हाँ हाँ, उस समय पिछले साल हम लोग का अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसी के समय में घोटाला हुआ। अगर अभी भी हेमंत दास संज्ञान ले, चंपा दास संज्ञान ले और इसको रद्द करे और नहीं रद्द करेंगे तो आने वाला 30 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ, देखिए ये पेपर का कटिंग है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक ही सेंटर से 500 पास, सबसे ज्यादा टॉपर भी। क्या नाम हुआ आपका? प्रभा कुमारी। तो आप भी पीजीटी का एग्जाम दी थी? हाँ, पीजीटी का एग्जाम दिए थे, हम ज्योग्राफी के कैंडिडेट हैं। तो क्या समस्या हो गया फिर? समस्या हो गया है कि एक ही सेंटर से बहुत ज्यादा रिजल्ट हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सब मतलब तेज तरह लोग वही एक सेंटर पे कितना लोग बैठे थे? एक सेंटर से लगभग 500 लोग सिलेक्टेड हुए हैं। एक सेंटर से लगभग 500 लोग सिलेक्ट हुए हैं। कितना लोग बैठे थे उस सेंटर पे एग्जाम में? 1500 से 2000। हाँ हाँ, 1500 से 2000 तक बैठने का कैपेसिटी रहती है। अच्छा। तो उसमें से लगभग 500 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक है आपका सिराड डिजिटल बोकारो और दूसरा है सिवा इंफोटेक रांची और फिर एक है बोकारो में टीसा टेक्नोलॉजी बोकारो। ये सेंटर ऐसे सेंटर है जहाँ से टॉपर्स भी आए हैं और वहीं से ज्यादा रिजल्ट हुई है। इसलिए इन सेंटरों का मेरा सरकार से आग्रह है एक ही चीज के, इन सब सेंटरों का जांच हो, सीबीआई जांच। अच्छा, आपका कितना मार्क्स आया था? आपका निकला था
मार्क्स हम क्यों बताए, पहले वो जारी करे ना कटअप, फिर हम अपना जारी करते हैं। चंपई सोरेन से आप लोग की मुलाकात हुई थी? जी सर। क्या बोले वो? हम लोग शनिवार को मुलाकात पिछले एक सप्ताह होने जा रहा है सर, वो बोले शाम में हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। उससे हम लोग मिलने की कोशिश किए लेकिन हम लोग से नहीं मिले। सुबह मिलते हैं तो बोलते हैं, शाम को बताते हैं इस पे, और शाम को अनाउंस करते हैं जब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हम लोग इधर आंदोलन में बैठे हैं। क्या क्या लिखे हैं देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, जो विरोध जता रहे हैं, उनके हाथों में एक पेज है और उसमें लिखा हुआ है, हमारी मांगे पूरी करो, पीजीटी प्लस टू टीचर घोटाले में शामिल अभ्यर्थियों के ऊपर झारखंड के कानून से कार्रवाई हो, इस प्रकार का यहाँ पे टैगलाइन लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीजीटी के अभ्यर्थी है, इनकी इनका जो मांग है ये कहना है कि जो एग्जाम हुआ था रद्द होना चाहिए, क्योंकि एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी पास हो गए थे। झारखंड में सबसे ज्यादा परेशान और बदहाल अगर कोई है तो यहाँ के बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थी है। बाकी भोकाल टीवी देखते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।